Hello guys, welcome in this video. Guys, in today's video I'm talking about algae. Algae important point है नीट की नज़र से अगर हम देखें तो, क्योंकि नीट में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो गाइज, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए. फेब में आपका एग्ज़ाम है और आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है. विद इन अ 6 मिनट आप एल्गी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बिकॉज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की है जो आपसे पूछते हैं. तो हम शुरू करते हैं. हम एल्गी जो है वो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है, ये एक्वाटिक होता है, मतलब ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में पाया जाता है. अगर एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है तो उसको हम लाइकेन बोलते हैं. एल्गी की जो फॉर्म और साइज है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. यूनिसेलुलर एल्गीज के नाम है स्पायरुलिना, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला. ये जो यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फ्लामेंटस मैंने लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी ट्रिक भी दी हुई है, एस सी स्क्वायर. यूनिसेलुलर की हो गई एस सी स्क्वायर. कोलोनियल है वॉल्वेक्स, उसको हम बोल सकते हैं सी वी. और फिलामेंटस का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. तो इसकी ट्रिक है, यूएस में फिल्म बन रही है. गाइज, आई होप कि आप लोग को ये ट्रिक्स पसंद आती हूँ, बिकॉज इसे आप जल्दी से याद कर सकते हो. नेक्स्ट है, गैमीट्स अगर फ्लैजिलेटेड हैं और उनका साइज सिमिलर है तो वो है क्लेमाइडोमोनास में इसका एग्जांपल. और गैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और सिमिलर हैं साइज में, उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा. गाइज, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है. और नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा, मैंने एरो बना के लिखा हुआ है आइसोगैमस. आइसोगैमस क्यों लिखा है, क्योंकि इनका जो गैमीट्स का साइज है वो सिमिलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आइसोगैमस. पर एक में फ्लैजिलेटेड है, वो उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास. इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड है, उसका एग्जांपल है आइसोगैमस. नेक्स्ट है ऊगैमस. ऊगैमस का एग्जांपल है वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, क्लेमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड है और स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है. जैसे कि आप देख सकते हो एफ और सी, ये पास पास के अल्फ़ाबेट हैं, तो आप याद रखोगे कि इनका साथ में आएगा. और नॉन फ्लैजिलेटेड में जो एग्जाम्पल है वो है स्पायरोगायरा, बिकॉज ये नीट में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. और इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे ही मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं, इसलिए मैंने इनको अब पॉइंट्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है. गाइज, अगर आपको ये मेरा समझाने का मेथड और ये नोट्स बनाने का मेथड पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि एल्गी को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है, वो है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गियसम. तो इसकी एक ट्रिक हो गई PSL. ये इसमें जो एल्गी होते हैं वो हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ब्राउन एल्गी है वो प्रोड्यूस करते हैं एल्जिन को, और रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं कैराजिन को. और अगार जो है वो ऑप्टेन करते हैं हम फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया. उसके बाद क्लोरेरा और स्पायरुलिना जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी हैं और एज अ फूड यूज होते हैं और प्रोटीन में रिच होते हैं. गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें मैंने क्लोमाइडोमोनास के बारे में भी जिक्र किया था, पर इसमें सिर्फ मैंने क्लोरेला और स्पायरुलिना के बारे में जिक्र किया है. गाइस, सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ इनको अगर आप चाहो तो कहीं नोट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप ई बुक भी बाय कर सकते हो, बिकॉज इसकी ई बुक भी अवेलेबल है. इसका मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इससे कि आप इन सारी चीज़ों को एस सिंपल आपको मिल जाए और आप इनको अच्छे से समझ पाओ. सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्गी के टाइप्स के बारे में. पहला है क्लोरो, फियो और रोडो. इसको पूरा नाम है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी. क्लोरो मतलब ग्रीन, फियो मतलब ब्राउन और रोडो मतलब रेड. क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोफिल होता है वो ए बी टाइप का होता है, फियोफाइसी में ए सी टाइप का और रोडोफाइसी में ए डी टाइप का. तो इसमें आप देख सकते हो ए सब में कॉमन है, उसके बाद बी सी डी, ठीक है. उसकी क्लोरोफाइसी की जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पैक्टोस की. उसमें फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में. नेक्स्ट है फियोफाइसी, उसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज और एल्जिन की, और उसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनीटोल. और लास्ट है रोडोफाइसी, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, और इसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है एमाइलो पैक्टिन के, ठीक है. इसके आगे हम बात करेंगे आपसे इनके एग्जांपल्स के बारे में. इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए
उनको याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है कि किसमें कौन सा है, इसलिए मैंने उसमें कुछ ट्रिक्स भी दी हुई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये सारे मैथड्स कैसे लगते हैं पढ़ाने के। तो क्लोरोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है क्लोमाइडोमोनास, वॉलवैक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। इसकी ट्रिक है चल बोल तू स्पायरोचारा, चल बोल यू से तू स्पायरो स्पायरो चारा। चारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का। तो ये सिंपल हो गया। उसके बाद फियोफाइसी के एग्जांपल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। तो एक्टो मीन्स हो गया बाहर, डिक से हम मान सकते हैं डिस्को, नारिया से हो गया नारियां, सार से हो गया साड़ी और कस से हो गया कसकर। तो बाहर डिस्को में नारियां साड़ी कसकर पहने हैं। इट्स फनी एंड आई होप कि ये सारी फनी थिंग्स से आप चीज़ों को काफ़ी रिलेट करके और अच्छे से याद रख सकते हो, और ये भी याद रख सकते हो कि वो नारी जो है वो ब्राउन कलर की साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि ये कौन से के एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो इसका ट्रिक है पीजी, ठीक है। तो पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। तो जो पीजी है वो रेड कलर का है, वो रेड कलर से पुता हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हो कि पीजी एग्जांपल है रूडोफाइसी का। सो गाइस लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कीप स्माइलिंग ऑलवेज।